हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट्सएप में आने वाली एक नई अपडेट के बारे में। यस गाइस, अब आप ले सकते हैं व्हाट्सएप से लॉग आउट। अगर आप व्हाट्सएप से कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आ गया है एक दिलचस्प फीचर। गाइस, जल्दी इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसों के लिए रोल आउट किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि व्हाट्सएप में अभी सिर्फ डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपका अकाउंट पूरी तरह बंद हो सकता है। सो गाइस, अगर आप भी व्हाट्सएप में आने वाली दिन भर की नोटिफिकेशन से परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए ये व्हाट्सएप का नया फीचर बेहद काम का हो सकता है, क्योंकि इस फीचर की मदद से आप जब चाहे तब व्हाट्सएप से ब्रेक ले सकते हैं और जब चाहे तब वापसी कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए देखते हैं कौन सा है वो फीचर। और हाँ गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको आने वाली ये नई अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे इस चैनल टेकविन विनी को भी सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आपको ऐसे ही नई अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब आप भी व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह लॉग आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अपडेट और नए फीचर्स की रिपोर्ट के अनुसार अब व्हाट्सएप के सभी यूजर्स को व्हाट्सएप से लॉग आउट का ऑप्शन मिलने वाला है। बता दें कि इस नए फीचर्स की मदद से अब सभी यूजर्स व्हाट्सएप को फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह लॉग आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने लॉग आउट का फीचर अपने व्हाट्सएप वर्जन 2.21.30.16 में दिया है। हालांकि ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप का ये वर्जन किसी यूजर के स्मार्टफोन में पहले से ही हो, लेकिन उसे लॉग आउट का फीचर ना दिया हो। ऐसा इसीलिए है कि व्हाट्सएप के लॉग आउट फीचर को अभी तक सभी के लिए पब्लिश नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि व्हाट्सएप के लॉग आउट का फीचर आने के बाद व्हाट्सएप डिलीट अकाउंट का फीचर पूरी तरह खत्म हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप डिलीट अकाउंट से आपका अकाउंट पूरी तरह बंद हो सकता है। वेब व्हाट्सएप में पहले से ही लॉग आउट का फीचर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंटली आम यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने सिर्फ अभी तक वेब वर्जन में ही लॉग आउट का फीचर दिया है। वेब व्हाट्सएप में लॉगिन करने के लिए आपको web.whatsapp.com में जाकर अपने स्मार्टफोन में QR कोड को स्कैन करना होता है। उसके बाद लॉग आउट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। चैट्स की लेफ्ट साइड पे आपको 3 वर्टिकल डॉट्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मेनू दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे नीचे दिए गए लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन से भी वेब वर्जन से लॉग आउट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में व्हाट्सएप में दिए गए 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करें और वहां पर व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करें, और iOS में सेटिंग में जाकर व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करें और लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करें, तो आप अपने स्मार्टफोन में भी ऐसे ही व्हाट्सएप वेब का यूज कर सकते हैं। पर अब आने वाले कुछ समय में आपको लॉग आउट का ये ऑप्शन आपके व्हाट्सएप की नॉर्मल एप्लीकेशन में भी मिलने वाला है, जिससे कि आप जब चाहे तब व्हाट्सएप से लॉग इन कर सकते हैं और जब चाहे तब लॉग आउट कर सकते हैं। तो गाइस, अब ये देखना है कि ये लॉग आउट का ये ऑप्शन नॉर्मल जनता के लिए कब अवेलेबल होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।